Maybe. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑरलैंड। तो मैं आपके लिए रॉन्गटन सीरीज के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें हमने देखा कि रॉन्गटन 2 की एंडिंग में थ्री फिंगर नाम का एक म्यूटेंट अपने बेबी को एक फिंगर खिला रहा होता है, और हम इसी के आगे से इस स्टोरी को समझेंगे। तो अगर आपने इसके पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों वीडियो के लिंक डाल दिए हैं, तो पहले आप उन्हें देख लें तो आपको इस वीडियो को देखने में ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए अब मूवी को शुरू करते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ फ्रेंड्स वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग करते हुए दिखाए जाते हैं, जिसके बाद में वो जंगलों के बीच में अपना टेंट लगाकर रेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम दो लोगों को जंगल में इंटीमेट होता हुआ देखते हैं कि तभी एक एरो आकर लड़की की पीठ में लगता है, और वो कुछ समझ पाते हैं। उससे पहले ही एक दूसरा एरो लड़की की आंख में लगकर उसकी आंख को बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। और तभी उनकी दूसरी फ्रेंड वहां पर आती है, जो कि एक म्यूटेंट को उसी लड़की की आंख खाते हुए देखती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और इसके बाद में वो म्यूटेंट उन सभी फ्रेंड्स को एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। और ये म्यूटेंट और कोई नहीं बल्कि पार्ट 2 में दिखाया जाने वाला थ्री फिंगर होता है, जो कि एक बेबी को फिंगर खिला रहा था, और अब वो बेबी भी बड़ा हो चुका था। अब नेक्स्ट सीन में हम वेस्ट वर्जीनिया के जेल का सीन देखते हैं, जहाँ पर दो ग्रुप्स के बीच में कुछ बहस चल रही थी, जो कि एक बहुत ही बड़े गैंग का लीडर था, और उसी को यहाँ पर पुलिस ऑफिसर एक दूसरे जेल में ट्रांसफर करने वाले हैं, क्योंकि जावीस एक बहुत बड़े ग्रुप का लीडर है, जिस वजह से हो सकता है कि उसके ग्रुप्स के मेंबर उसे जेल से भगाने की कोशिश करें। उसका ट्रांसफर नेक्स्ट वीक होने वाला है, लेकिन ऑफिसर उसे कुछ दिन पहले ही ले जाने का डिसाइड करते हैं, ताकि जावीस के ग्रुप मेंबर तक कोई भी जानकारी न पहुंचे। फिर हम उन सभी प्रिजनर्स को देखते हैं जिन्हें दूसरे जेल में ट्रांसफर करना था, जिनमें से एक जावीस भी था, और इस ट्रांसफर के ऑपरेशन को पुलिस ऑफिसर नेट लीड कर रहा था। और फाइनली पुलिस की बस वहां से निकल जाती है, और इनका रूट उसी रोंगटन से होकर गुजरने वाला था। फिर कुछ टाइम के बाद में रास्ते में वे लोग एक दूसरे पुलिस स्टेशन पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर डिप्यूटी लैन और ऑफिसर कार्ल उन्हें रिसीव करते हैं। और दूसरी तरफ हम उसी बच्चे को जंगल में ट्रैप लगाते हुए देखते हैं, लेकिन वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था, जिस वजह से वो ट्रैप सही से नहीं बीछ पाता है, और थ्री फिंगर यहाँ पर आकर उसकी मदद करता है। फिर हम एक प्रिजनर को डेप्यूटी लेन के साथ में बदतमीजी करते हुए देखते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर थी, जिसके बाद में वो उन सभी को जेल में लॉक करती है, और कुछ टाइम वहाँ पर रेस्ट करने के बाद में वो सब अपने सफर को दोबारा से शुरू करते हैं। लेकिन आधे रास्ते में उनके पीछे कोई अपना ट्रक लगा देता है, जिसकी लाइट की वजह से ऑफिसर वॉल्टर को कुछ दिखाई नहीं देता है, और तभी वो ट्रक नुकीले तारों से उनकी बस को पंचर कर देता है, जिस वजह से उनकी बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक खाई में गिर जाती है। फिर हम उस ट्रक में से बाहर आते हुए थ्री फिंगर को देखते हैं, जो कि चेक करके वहां से चला जाता। अब इसके बाद हम उन सभी पुलिस ऑफिसर और प्रिजनर को होश में आते हुए देखते हैं, जहां पर जावीस ऑफिसर नेट से उसकी गन छीन लेता है और उसे गन पॉइंट पर लेता है, लेकिन तभी एक दूसरा ऑफिसर जावीस को शूट करने की वार्निंग देता है, और अचानक से कोई उस ऑफिसर के गले में एक चाकू से अटैक करके उसे वहीं पर मार डालता है, जिसके बाद में वो उन सब पर भी अटैक करने लगता है, और उसके जवाब में जावीस उसकी तरफ शूट करता है, और थ्री फिंगर एक रिपीसी स्माइल देते हुए वहां से भाग जाता है। अब जावीस नेट से बस में जाकर उन हथकड़ियों की चाबी लाने का बोलता है, जहाँ पर नेट को वॉल्टर बेहोशी की हालत में दिखाई देता है, और वो उसकी मदद करते हुए उसे बस से बाहर निकालता है, कि तभी वो बस ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। फिर जावीस उनसे चाबी मांगता है, लेकिन वो चाबी अब किसी भी काम की नहीं थी, और वो अपनी हथकड़ियां नहीं खोल पाता है, जिस वजह से जावीस नेट पर गुस्सा होता है, लेकिन वो जानता था कि नेट ही उन सबको इस घने जंगल से बाहर निकाल सकता है, और इसी वजह से वो उसे नहीं मारता है, और आगे का रास्ता उसे लीड करने को बोलता है। फिर वे लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी एलेक्स, जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, नेट पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे कंट्रोल करता है, और उसके बाद में एलेक्स उन्हें थ्री फिंगर के बारे में बता देती है, और वो उन्हें अपने फ्रेंड्स के बारे में भी बताती है, जो कि रिवर राफ्टिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे, जिन्हें थ्री फिंगर ने ब्रूटली मार दिया है।
लेकिन उनमें से किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। और ये सब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद में जावेद को सामने एक पलटी हुई बस दिखाई देती है और वो उसे एक ट्रैप समझता है और इसीलिए वो नेट और वाल्टर को पहले आगे जाकर चेक करने को बोलता है। और बस को चेक करने पर नेट को एक गन मिलती है जिसे वो चुपके से वाल्टर को पकड़ा देता है और उस बस को खोलने पर उन्हें उसमें से काफी सारा पैसा मिलता है। इसे देखकर जावेद लालची हो जाता है और वो उन सबको दो बैग्स उठाकर वहां से आगे बढ़ने को बोलता है। लेकिन वाल्टर जो कि बहुत ही जख्मी था और वो दो बैग नहीं उठा सकता था, लेकिन जावेद उसे जबरदस्ती उन बैग्स को उठाने को बोलता है और वाल्टर गुस्से में आकर जावेद को शूट करने के लिए अपनी गन आगे बढ़ाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उस गन में बुलेट से नहीं थी और इसी वजह से जावेद की जान बच जाती है। लेकिन वो इसके बदले में वाल्टर के हेड पर शूट करके उल्टा उसे ही मार डालता है। इसे देखकर नेट को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जावेद के हाथों में एक शॉटगन थी। फिर इसके बाद हम उन सभी को उन बैग्स के साथ में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स का पैर उसी ट्रैप पर आ जाता है जिसे उन म्यूटेंट्स ने बिछाया था। लेकिन नेट उसकी जान बचा लेता है और तभी वो बेबी म्यूटेंट उन पर अटैक करता है, लेकिन जावेद उसे शूट कर देता है और वो उसका सर काटकर लकड़ी में फंसा कर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उन सबको लीड करते हुए अपने कैंप तक ले आई थी, जहाँ पर वो सब उनकी बोट्स की मदद से वहां से निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन नेट उसे पंचर कर देता है और अब जावेद का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो उसे बहुत ही मारता है और दूसरी तरफ हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो कि अपने बेबी म्यूटेंट के कटे हुए सर को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और बहुत ही रोता है। और उसके गुस्से से हम समझ पाते हैं कि वो अब इन सबको और भी ज्यादा ब्रूटल तरीके से मारने वाला है। अगले सीन में हम लोग उन सभी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, जहाँ पर जावेद एक ट्रैप को टच कर लेता है, लेकिन उसके गैंग का एक मेंबर उसकी जान बचाते हुए जावेद को धक्का दे देता है, लेकिन वो खुद उस ट्रैप में फंसने की वजह से मर जाता है। और फिर हम जावेद को देखते हैं जो कि टांग काटकर अपने पैरों की चेन को खोल लेता है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेप्यूटी लैन ऑफिसर काल को कुछ दिन पहले मिसिंग कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में बताती है और काल के पास भी अभी तक नेट का कोई भी कॉल नहीं आया था, जिस वजह से वो उन्हें ढूंढने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जाने का डिसाइड करते हैं। फिर हमें वो सभी दिखाए जाते हैं जो कि चलते चलते एक घर तक आ गए थे, जहाँ वो रखे हुए कुछ टूल्स की मदद से वो सब अपनी जंजीरों को खोल लेते हैं और अपने आगे का सफर जारी रखते हैं, जहाँ पर उन्हें अपने सामने थ्री फिंगर का ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर जावेद एक प्रिजनर को आगे बढ़ाकर चेक करने का बोलता है और जैसे ही वो थोड़ा पास जाता है, थ्री फिंगर उसे चेन में फंसाकर घसीटता हुआ अपने साथ में ले जाता है और वो रोड पर घसीटते हुए उसे बुरी तरीके से मार डालता है। तभी मौका पाते ही फ्लॉयड, जो कि अपोजिट गैंग का था, जावेद पर हमला कर देता है, जिसके बाद उन लोगों में काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होती है और इसमें जावेद उसे बहुत मारता है। इसी बीच एलेक्स और नेट वहां से भाग जाते हैं और जावेद फ्लॉयड को वहीं पर अधमरा छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग ऑफिसर काल को देख पाते हैं जिन्हें सर्चिंग के दौरान वो बस मिल जाती है, जिसके बाद वो सारी सिचुएशन को अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हुए अपने डॉग के साथ में नेट को ढूंढने में निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम जावेद और ब्रैंडन को देखते हैं, जहाँ पर ब्रैंडन उसे कहता है कि हमें पैसों को कुछ टाइम के लिए यहीं पर छोड़कर नेट और एलेक्स को ढूंढना चाहिए, जिसे सुनकर जावेद उसकी बात मान जाता है और वो नेट को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। कुछ समय तक ढूंढने के बाद में उसे नेट मिल जाता है और वो उसे मानने वाला था कि तभी वो जावेद को बताता है कि यहाँ पर पास ही में एक वॉच टावर है जहाँ से हम रेडियो से अपने लिए मदद बुला सकते हैं, जिसे सुनकर जावेद उसे नहीं मारता है और वॉच टावर तक ले चलने के लिए उसे बोल देता है। फिर हम उन सबको वॉच टावर के पास में जाता हुआ देखते हैं, लेकिन वो टावर तो बहुत पहले ही इस मूवी के पार्ट वन में ही जलकर खाक हो चुका था। और ये वॉच टावर मूवी के पार्ट वन में कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको वो पार्ट जरूर देखना चाहिए। अब हम मूवी में वापस आते हैं और हम देखते हैं गुस्से में आकर जावेद नेट को शूट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर ऑफिसर काल और उनका डॉग आ जाते हैं और उस सबको कंट्रोल में ले लेते हैं। और तभी एक पेड़ पर बैठा हुआ थ्री फिंगर एक स्पीयर को ऑफिसर काल पर फेंकता है जो कि उनके मुंह के आर पर हो जाता है और मौका पाकर जावेद दोबारा नेट की गन छीनकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। अभी इधर दूसरी तरफ हम फ्लॉयड को देखते हैं जो कि अपनी बेहोशी से बाहर आता है और वहाँ पर रखा हुआ
सारा पैसा अपने साथ में ले जाता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि जावेस भी उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुका है तो सारे पैसों को पानी में बहाने लगता है। और जावेस ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर एक बोतल में पेट्रोल भरकर उसमें आग लगा के फ्लॉइड को वो जिंदा ही जलाकर मार डालता है। और फ्लॉइड के साथ साथ जावेस का सारा पैसा भी चल जाता है। फिर वो सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं, लेकिन एक बार फिर से थ्री फिंगर उनके सामने आ जाता है और इस बार जावेस एलेक्स को आगे भेजता है ताकि थ्री फिंगर जैसे ही उसे लेने के लिए आए वो उसे शूट करके मार दे। पर थ्री फिंगर वहां पर आग लगा देता है और मौका पाते ही वो एलेक्स को अपने साथ में ले जाता है। नेट यहाँ पर एलेक्स की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जावेस उसे ऐसा नहीं करने देता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी ब्रैंडन पीछे से बेहोश कर देता है और वो दोनों ही जावेस को वहाँ पर छोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग थ्री फिंगर को एलेक्स को ले जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन इतने घने जंगलों में की आवाज को कोई भी नहीं सुन पाता है। और थ्री फिंगर उसे एक बजरिंग टेबल पर बांध देता है, जहाँ पर एलेक्स अपने सामने डिप्टी लेन को तड़पता हुआ देखती है जिसे थ्री फिंगर ने बहुत पहले ही पकड़ लिया था। और देखते ही देख एलेक्स की आंखों के सामने डिप्टी लेन मारी जाती है। और दूसरी तरफ हम ब्रैंडन को भागता हुआ देखते हैं कि तभी जावेस उसे मारकर बेहोश कर देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और यहां उन लोगों में एक भयानक लड़ाई होती है जिसमें पहले तो जावेस उसे बहुत मारता है और जब वो उसे जान से मारने वाला होता है कि तभी अचानक से थ्री फिंगर अपने हाथों में लगे हुए नुकीले वेपन की मदद से जावेस के हाथ को फाड़ देता है और बहुत ही बुरी तरह से उसका सर उसके धड़ से बाहर निकलकर खाने लगता है, जिस वजह से जावेस भी मारा जाता है। अब इधर हम नेट को देखते हैं जिसे शेरिफ का डॉग मिल जाता है और उसे एलेक्स का एक कपड़ा सुंघाता है, जिसके बाद में वो डॉग नेट को लीड करते हुए थ्री फिंगर के घर तक ले आता है, जहाँ पर नेट बहुत से लोगों के कटे हुए बॉडी के पार्ट्स को देखता है और यहाँ पर वो उसी बेबी म्यूटेंट के कटे हुए सर को भी उसी लकड़ी में गड़ा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है। और तभी उसे एक रूम में एलेक्स मिल जाती है और वो उसे आजाद करके वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से थ्री फिंगर वहां पर आ जाता है और नेट पर हमला कर देता है और जब वो उसे जान से मारने वाला होता है कि तभी अचानक एलेक्स पीछे से उसी लकड़ी को जिस पर थ्री फिंगर ने बेबी म्यूटेंट के सर को रखा हुआ था उसे उसकी बॉडी के आर पार कर देती है और फिर वे लोग उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद में थ्री फिंगर दोबारा से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उस पर चढ़कर उन्हें मारने लगता है, जिस कारण उनका ट्रक डिसबैलेंस होकर पलट जाता है, आग लग जाती है। तभी ब्रैंडन वहां पर आ जाता है और उनकी जान बचाते हुए एलेक्स और नेट को ट्रक से बाहर निकालता है और तभी थ्री फिंगर एक कुल्हाड़ी से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन नेट इस बार एक वेपन को थ्री फिंगर के सर में घुसा देता है और उसे उसके ट्रक के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ में थ्री फिंगर यहीं पर मारा गया था। और नेट ब्रैंडन को उसके सारे क्राइम से फ्री करके वहां से जाने देता है और वे दोनों वही रोड पर बैठ जाते हैं और अगली सुबह पुलिस की टीम उन्हें वहां से बचा लेती है। मूवी के एंड में हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जब नेट पैसों के लालच में उसी बस के पास में दोबारा आता है, लेकिन अचानक से कोई एक एरो से उसे मार डालता है और ये और कोई नहीं बल्कि ब्रैंडन था और वो भी उन पैसों की वजह से वहां पर आया हुआ था। और जब वो उन पैसों को उठाता है तो हम उसके पीछे एक दूसरे म्यूटेंट को देख पाते हैं और ये म्यूटेंट कौन है ये हमें रोंगटन मूवी की सीरीज के आगे आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा, जिसके बाद में वो म्यूटेंट ब्रैंडन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी बैनेक्सी चीख के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था रोंगटन सीरीज का थर्ड पार्ट। तो इसमें हमने देखा कि कैसे रोंगटन 2 के एंड में जो थ्री फिंगर था वो इस बार सभी को मार रहा था, लेकिन इस मूवी के एंड में थ्री फिंगर भी मारा गया पर और भी कोई म्यूटेंट था जो कि अब इस थ्री फिंगर की जगह लेने वाला था। तो इस मूवी का अगला पार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस मूवी में हमारे साथ में बने रहिएगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जब तक कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।